हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. दिस इज मैगी राज हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द सेकंड लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी एंड पावर. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू गेट डिस्कस अबाउट द रेस्टोरिंग फोर्स स्प्रिंग एनर्जी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज रेस्टोरिंग फोर्स. सो it is a force which tends to bring any body at the equilibrium position. Yani ye wo force hai jo kisi body ko uski equilibrium position par lane ka prayas karta hai. Kaise dekhiye na, jaise ye koi spring hai aur yahan se ye koi body hai m, isko aise fuse kar diya gaya. Agar hum isme force f laga ke isko withdraw kare aur chhod de, तो ये अपनी जैसे इतना डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर आ गए और यहाँ से हम इसको ड्रॉप कर दें तो फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, आने का प्रयास करें. ओके, सो जब हमने इसको पुश किया, खींचा ऐसे, ओके, तो ये हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया. लेकिन जैसे ही हमने एफ एक्सटर्नल को जीरो कर दिया तो ये फिर खींच कर ओरिजिनल पोजिशन पर आएगा. तो कौन सा फोर्स है जो इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा है? दैट फोर्स इज एफ रेस्टोरिंग. ओके, ये फोर्स रेस्टोरिंग फोर्स है. जैसे आप देखते हैं ये कोई पेंडुलम है, ऐसे हम इसको ऐसे खींच के जब यहाँ ले गए तब तो हमने फोर्स लगाया इसको, लेकिन यहाँ जैसे हमने यहाँ ले जा रहे थे तो एफ एक्सटर्नल लगाया, लेकिन जैसे ही यहाँ पर हमने एफ एक्सटर्नल जीरो कर दिया तो ये बॉडी यहाँ पर आकर के रुके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर. तो यहाँ जो फोर्स वर्क कर रहा था, इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा था, वो फोर्स क्या था? रेस्टोरिंग फोर्स. तो ये एफ रेस्टोरिंग होगा और यहाँ पर हम इसको एफ एस से डिनोट करेंगे. ओके, सो इन हियर वी विल डिस्कस अबाउट द स्प्रिंग. स्प्रिंग फोर्स is a force which tends to bring any body at their equilibrium position. Any, ये वो force है जो किसी भी object को, किसी भी body को उसकी equilibrium position पर लाने का प्रयास करता है. So, it is a force which tends to bring any body at their equilibrium position. Okay? So, it denoted just like let me take this spring and this is a body, okay, mass m. Whenever we applied some force, then this body come at this position. Okay, so whenever we applied some force f external, okay, so some displacement occurs, that is x. सो रेस्टोरिंग फोर्स, अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या था? अगर हम इसको इफ एफ एक्सटर्नल को क्या कर दें, जीरो कर दें, तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, अपनी उसी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा जैसा था. तो इसको इधर की ओर खींच कर लाने वाला फोर्स क्या था? एफ एस. तो ये इधर को है निगेटिव और एक्स उधर को डिस्प्लेस्ड हो रहा था पॉजिटिव, मीन्स ये दोनों नेगेटिव प्रोपोर्शनल हैं. इट मीन्स वी कैन से दैट एफ प्रोपोर्शनल माइनस एक्स, रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट. एफ एस इक्वल्स टू माइनस के एक्स, वेयर के इज फोर्स कांस्टेंट. के क्या है? फोर्स कांस्टेंट है. एंड एफ एस क्या है? दिस इज रेस्टोरिंग फोर्स, ये रेस्टोरिंग फोर्स है. तो अब ये क्लियर हुआ, इट इज अ फोर्स व्हिच टेंड्स टू ब्रिंग एनी बॉडी एट देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन, अपनी इक्विलिब्रियम यानी जो जनरल सामान्य पोजीशन उसकी पहले थी उसी पोजीशन पे लाने का प्रयास करता है. दैट फोर्स इज नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स. ओके, सो अब देखिए इसकी हम स्पेसिफिक कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं. ये स्प्रिंग से टाइटली
ऐसे फिक्स थी ये बॉडी, यहाँ पर ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ओरिजिनल पोजीशन। यहाँ पर ना ही अभी एक्सटर्नल फोर्स है और ना ही डिस्प्लेसमेंट है और ना ही रेस्टोरिंग फोर्स है। ओके, अब हमने क्या किया इसमें, थोड़ा सा हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो बॉडी डिस्प्लेस्ड होकर के इस पोजीशन पर आ गई। तो ये इधर को डिस्प्लेसमेंट हुआ एक्स, कब, जब हमने फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल इधर को, तो एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करता है क्या रेस्टोरिंग फोर्स, तो रेस्टोरिंग फोर्स किधर की ओर वर्क करेगा, एफ एस इधर की तरफ। तो देखिएगा इस केस में एक्स क्या है पॉजिटिव और एफ एस क्या है नेगेटिव। ओके, जैसे ही हमने इस फोर्स को जीरो कर दिया, छोड़ दिया, एफ एक्सटर्नल जीरो किया, तो अब ये बॉडी देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में तुरंत जैसे हमने ड्रॉप किया तो ऐसा नहीं कि यहीं पे आके एग्जैक्ट रुकेगी, ये क्या करेगी, यहाँ पर रेस्टोरिंग फोर्स वर्क कर रहा था जो इसको जीरो पर यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने का प्रयास कर रहा था, एग्जैक्टली उसी इक्विलिब्रियम पे नहीं ले आया, तो पहले ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा तो कुछ अंदर की तरफ भी आ जाएगा। तो ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, मान लेते हैं कि ये बॉडी थोड़ा सा अंदर की तरफ इधर आ गई, ये पोजीशन आ गई इसकी। तो अब एक्स क्या हो गया, ये एक्स हो गया नेगेटिव, तो यहाँ रेस्टोरिंग फोर्स किधर की, रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ ही वर्क करेगा। तो ये इतना ज़्यादा हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया था कि इतना खींच गया था, तो उसको बैलेंस करते हुए पहले इधर आएगा, फिर और डिक्रीज करते 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 जीरो पे आएगा, तो यहाँ पर एफ एस ये लगेगा। यानी यहाँ की सिचुएशन पे देखें तो एफ एस क्या है पॉजिटिव है और एक्स क्या है नेगेटिव। ओके, सो दीज आर द सम स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट and the external force. Okay, and now just we are going to get discuss about the spring energy. Okay, so here we know that F equals to minus kx. Okay, so it is in the form of y equals to minus k x, और दिस टाइप का कर्व जो है वो ऐसा होता है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो देखिएगा इफ यू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, सो इट विल बी इन दिस फॉर्म, स्ट्रेट लाइन फॉर्म एंड दिस, सो द बाउंडेड एरिया, यू नो दैट एरिया ऑफ एफ वर्सेस एक्स कर्व इज वर्क डन क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के कर्व से बाउंडेड एरिया वर्क डन होता है, और यही वर्क डन यहां पर किस फॉर्म में होगा, स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्म में स्टोर करेगा। तो देखिएगा इससे जहां पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मान लेते हैं ये ओ है, ये है, ये भी है, इस डायरेक्शन में फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट, मान लेते हैं पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट एक्स एम है, सो इट्स बाउंडेड एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज स्प्रिंग एनर्जी, सो स्प्रिंग एनर्जी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओके, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2 बेस into altitude fs, okay, यहाँ पर जो है ये force को हमने fs लेट किया है, fs कर दीजिए, अब fs की value आपको पता है ये कितनी है minus kx, तो main position के लिए ले रहे हैं तो ये आ जाएगा spring energy equals to 1/2 xm into minus kxm, okay, तो -1/2 के
Fm square. This will be spring energy. Okay? ध्यान रखिएगा, spring energy arises due to the restoring force. Okay? And whenever we applied some external force in positive displacement direction, then restoring force is negative. Due to this, spring energy will be negative. So ध्यान रखिएगा यहाँ पर Fs equals to minus kx है, okay? तो y minus kx के फॉर्म में होगा, इसका कर्व स्ट्रेट लाइन होता है, नेगेटिव x एक्सिस में आएगा. So Fx curve is equals to work done, and work done is stored in the form of spring energy. So spring energy is equals to the area bounded the curve of the Fx curve. So it will be equals to 1/2 base into altitude area of this triangle. And put the value of Fs, that is minus kx at this position xm, that is minus kxm. So it will be equals to minus 1/2 kx xm square, and it will be negative due to the restoring force. This spring energy arises due to the restoring force, and restoring force is negative. So let me discuss about this spring energy by the mathematical form, by the mathematical method. So mathematical method, so we know that dw equals to f into dx, and f is fs, and here displacement occur from 0 to xm. So you know that 1 dw is equals to w, that is equals to spring energy. And fx, value of fx is minus kx 0 to xm dx. So spring energy is equals to minus k, x ka integral ho jayega x square by 2, and limit from 0 to xm. So it will be equals to minus k xm square by 2 upper limit minus 0 lower limit. Okay? So it will be also equals to minus km square by 2. This is spring energy that we stored in the spring. This is known as spring energy minus kxm square by 2. Okay? So in this way we will calculate the spring energy. Let me discuss here. dw equals to f into dx, and f is f restoring force, fs, and integrate from 0 to xm. Okay, so this work done is also equals to spring energy, and that is equals to minus kx dx. Here putting this value fs, fs is equals to minus kx. Okay, and putting this limit from 0 to xm, so spring energy is equals to minus k, and x ka integration kya ho jayega, x square by 2 0 to xm. So it will be equals to upper limit put kar denge, aur yahan par minus lower limit, so that will be equals to minus k x square m by 2. In this way we will calculate the value of spring energy. Okay, so now we discuss about the graph about kinetic energy, potential energy, and spring energy. So in this way we will discuss at the position of xm potential energy. Okay, so you know that potential energy is denoted by U, ऐसे भी लिख सकते हैं, V is the function of x, ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, that is equals to 1/2 kx square. Okay, and it is in the form of quadratic equation. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसका कर्व कैसा होगा, क्वाड्रेटिक होगा, और जैसे y इक्वल्स टू x स्क्वायर ऐसा कुछ था. ओके, ग्राफ जो होते हैं क्वाड्रेटिक के ऐसे होते हैं, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू x,
y square equals to minus x, x square equals to y, x square equals to minus y. तो देखिएगा x square is equals to something else. So इस टाइप का कर्व आएगा पोटेंशियल एनर्जी में. तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व हम देखते हैं, ये इसकी वैल्यू x equals to zero होगी. x ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन ले ली xm, तो हम xm माइनस xm इन पोजिशन पर डिस्कस कर रहे हैं. तो देखिएगा ये u की वैल्यू है के एक्स स्क्वायर बाई टू. तो जब x की वैल्यू जीरो होगी तो u की वैल्यू क्या होगी, जीरो. और जब x मैक्स होगा तो u इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर बाई टू. एक्स की वैल्यू xm है तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, ऐसे शो कर सकते हैं इसको कि व्हेन x इक्वल्स टू प्लस माइनस xm then u equals to 1 by 2k plus minus xm square. So ये positive ही आएगा k xm square by 2. तो y axis में ही आएगा. तो इसकी value मान लेते हैं दोनों के लिए, xm जब plus है तब भी u इतना, xm minus होगा तब भी square होने से plus ही हो जाएगा, तो यहीं पर आएगा. और ये कैसा होगा क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो क्वाड्रेटिक कुछ इस तरह से कर जाएगा. तो ऐसा कर्व आएगा, ये ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द this total energy, we know that is equals to 1 by 2 k x m square equals to kinetic energy k plus potential energy, and kinetic energy 1 by m v square plus potential energy 1 by 2 k x square. This will be equals to 1 by 2 k x m square. So when x equals to 0 then k will be क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इसी के इक्वल हो जाएगी. देखिए x 0 पुट कर देंगे जब, तो ये 1 by 2 k x m square equals to ये 1 by 2 mv square. इसको सॉल्व कर दीजिए सिंपली, पहले जैसे 1 by 2 k x square minus 1 by 2 k x square. So 1 by 2 cancel कर दीजिए, k common, x m square minus x square by m equals to v square. So v is equals to root over k by m x m square minus x square. Okay, so this is the velocity, and finally, what? अब ये condition solve कर देते हैं. Okay, if x equals to zero, then k by m x m square minus zero equals to v. So it will be equals to k by m x m square equals to v, या आप simply k by m और बाहर लिख सकते हैं x m. This is the value of velocity, and whenever x is 0 then what will be the value of kinetic energy, half m v square. आप v की value रख करके solve कर सकते हैं, otherwise सीधे आप इसे देख सकते हैं कि ये 1 by 2 k x square के भी equal है. Okay, so in this way we will discuss about the kinetic energy. Okay, so one by two k x m square that is equal to this value k and this zero at x equals to zero.
सो देखिएगा काइनेटिक एनर्जी का कर्व क्या होगा। ये काइनेटिक एनर्जी जब एक्स की वैल्यू जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम ये है, ये मान लेते हैं हम के माइनस है। और जब एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एक्स एम हो जाएगा, तो वहां पर आकर के बॉडी रेस्ट पर हो जाएगी, यानी एक्स एम प्लस और एक्स एम माइनस पर काइनेटिक एनर्जी जीरो पर आ जाएगी। तो ये यहाँ जीरो के सामने आ जाएगा, यानी ये कर्व ऐसा आएगा, पैराबोलिक ही होगा, ये भी डायरेक्ट नहीं मिलता, ध्यान रखिएगा ये कुछ ऐसे कर्व शेप में है। ओके, सो दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी। एंड कंबाइंड कर्व, कंबाइंड कर्व कैसा होगा दोनों का, और ये है ये एक्स एम प्लस का, ये एक्स एम माइनस का, ये इसकी पीक पोजीशन है, मैक्सिमम वैल्यू। तो देखिएगा ये काइनेटिक एनर्जी का कर्व ड्रा किया हमने, ये है के का, और इन्हीं पोजीशन के लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी ऐसे सॉल्व किया था। ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों का सम जो होगा ये होगी टोटल एनर्जी E इक्वल टू के प्लस यू, कॉन्स्टेंट कर्व होगा। ओके, सो इन दिस वे वी विल सॉल्व द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी।